सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों, अगर आपके पास पुराना होम थिएटर सिस्टम है और जो कि बहुत बढ़िया है और आप इसको वायरलेस होम थिएटर सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे वायरलेस होम थिएटर सिस्टम में, जानने के लिए देखते रहिए हमारा यह वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक टू एडिक्ट में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया स्मार्ट गैजेट जो कि कन्वर्ट करेगा अपने आपके पुराने होम थिएटर सिस्टम को नए वायरलेस होम थिएटर सिस्टम में। तो पहले हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और उसके बाद देखेंगे इसका सेटअप गाइड कि आप कैसे इसको पेयरिंग करके अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से कनेक्ट कर सके। तो ये है हमारा यो डिवाइस जो कि ब्लूटूथ डिवाइस है। इसको आप खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कोई भी ऑनलाइन स्टोर से या ऑफलाइन स्टोर से सिर्फ 150 से 200 रुपये में। और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे अब हम। ये है इसका यूजर मैनुअल, ये इसके साथ आ रहे हैं इसका एक ब्लूटूथ डिवाइस और एक 3.5 mm जैक। ये है वो ब्लूटूथ डिवाइस जिसके साथ आ रहा है ये यूएसबी पोर्ट। इसको आपको पावर सॉकेट में इंसर्ट करना पड़ेगा जिससे ये पावर अप हो। यहाँ पे 3.5 mm जैक जहाँ पे आप अपने पुराने होम थिएटर सिस्टम का जैक इंसर्ट करके आप स्मार्टफोन से या कोई भी स्मार्ट गैजेट से पेयर अप कर सके। अब हम देखेंगे इसका सेटअप कि हम लोग कैसे इसको पुराने होम थिएटर सिस्टम से कनेक्ट कर पाए और कैसे इसको पेयर अप करें। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पुराना होम थिएटर सिस्टम और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सेटअप करें। सेटअप करना बहुत इजी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको दिखाएंगे। तो पहले ये है हमारा ब्लूटूथ और ये है यूएसबी इसका पोर्ट। इसको हम लोग पावर बैंक में इंसर्ट करेंगे। आप इसको कोई भी पावर सॉकेट में लगा सकते हैं जिसमें यूएसबी पोर्ट हो, जैसे कि आपका मोबाइल का चार्जर वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। ये जब तक पेयर नहीं होगा तो पावर ऑफ होने के बाद ये कंटिन्यूस ब्लिंक करेगा। पेयर होने के बाद इसका ब्लिंक स्लो होगा। तो पहले ये हमारा 4.1 का पोर्ट है, यहाँ पे दो है लेकिन हम लोग एक के साथ ही काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक का सुविधा है। तो आप इसके लिए स्प्लिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको लगाएंगे, ये जैक कनेक्ट कर दिया और ये है हमारा डिवाइस फोन जिससे हम लोग प्ले करेंगे। तो ये ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग ब्लूटूथ। ये साउंड के साथ चेंज हो गया पैटर्न, ये पेयरिंग हो चुका है। अब हम लोग सीधे Thank you.
दोस्तों ये था मोबाइल के साथ पेयरिंग, अब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे लैपटॉप के साथ हम लोग दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग अब कैसे इसका सेटिंग करें हमारे लैपटॉप के साथ। तो पहले हम लोग पिछले बार की तरह इसको पावर ऑन करेंगे, यानी कि ब्लूटूथ डिवाइस का पावर अप करेंगे। और फिर लैपटॉप के सेटिंग में जाके डिवाइस को मूव करके यहाँ पर दिखाई देगा आपका ब्लूटूथ जो कि ऑन है। अगर ऑफ है तो आप इसको क्लिक करके ऑन कर लीजिए। फिर ऐड ब्लूटूथ डिवाइस में जाइए और यहाँ पे है सर्च कीजिए और देखिए आ चुका है हमारा डिवाइस। टैप करके कनेक्टिंग करेंगे और ये कनेक्ट हो चुका है। सीधे कोई भी फाइल में कनेक्ट करेंगे और ऑडियो या वीडियो फाइल में। और आप लोग देख सकते हैं कि गाना चल रहा है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा स्मार्ट गैजेट का सेटअप वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या क्या देखना चाहते हैं और क्या क्या जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही मजेदार और टेक्निकल वीडियो के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।